स्टार्ट करते हैं अपना क्रॉसिंग एनी क्लोज सर्फिस इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इन द सर्फिस कि हमारे पास जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अंदर इनक्लोज हुई हुई है उसके पर, जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर है तो इसको फाइंड आउट करते हैं आपको गोजेज लॉ से हमने एक चीज निकाली थी जो फ्लक्स है वो क्यू ओवर ई के इक्वल है और अगर आप इसमें देखें जो हमारे पास एक्सलो नॉड है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है तो अगर मैं कॉन्स्टेंट को रिमूव करू तो फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली पर पहुंचना है हमारे पास चार्ज के यानी कि जो उसने हमारे साथ ये बात पूछी थी इस क्वेश्चन में वो यहाँ पे हमारे बात प्रूव हो चुकी हुई है अकॉर्डिंग टू गॉजिज लॉ और आपको ये चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम दूसरे जो हमारे पास एक नॉर्मल तरीका है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का कि नंबर ऑफ ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो यहां से भी अगर देखें तो जो ई है वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्यू के क्यों क्योंकि मेरे पास जो फ्लक्स है वो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्लक्स क्यू के भी था तो इस तरह मेरे पास जो ई है वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी क्लोज सर्फिस इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज विद इन द सर्फिस